गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीटल डेवलपमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस सम टर्मिनोलॉजी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हेन जब एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद डिम्ब 0 से लेकर 3रे सप्ताह तक, यानी इस फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके 3 हफ्तों तक जो इसकी स्ट्रक्चर रहती है या जो इसका डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं हम 3 सप्ताह तक डिम्ब। भ्रूण बोलते हैं हम 4थे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक, यानी 4 वीक से लेके 8 वीक तक जो भी सेल स्ट्रक्चर रहती है उसको हम बोलते हैं भ्रूण। फिर 9वें सप्ताह से लेके या 8वें सप्ताह के बाद से लेके जन्म तक जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं गर्भस्थ शिशु, यानी कि फीटस। 9वें सप्ताह से लेके जन्म तक फीटल डेवलपमेंट क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था से लेकर जन्म तक पूर्ण होने पर होता है। तो जब भ्रूण यानी इस अवस्था से लेकर या इस अवस्था से लेकर जन्म होने तक मदर के वूम में फीटस का जो भी डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फीटल डेवलपमेंट, यानी इनसाइड द यूट्रस जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके भ्रूणीय अवस्था से लेकर कब तक, जब तक वो पैदा होगा तब तक उसको हम बोलते हैं फीटल डेवलपमेंट। इसमें पहला है युग्म यानी जाइगोट। स्त्री जननांग डिम्ब वाहिनी में एक अंडाणु व एक शुक्राणु के मिलने के से उत्पन्न संरचना को जाइगोट कहते हैं। स्त्री जननांग की डिम्ब वाहिनियाँ, स्त्री जननांग में डिम्ब वाहिनियाँ क्या हैं? जो कि फेलोपियन ट्यूब्स है, ठीक है। इस जगह पर फेलोपियन ट्यूब में जब अंडाणु, एक अंडाणु यानी ये अंडाणु और एक शुक्राणु आपस में मिलते हैं, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके मिलने के बाद जो संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट क्या है कि इसके बाद 14 दिनों में इसके अंदर होने वाली क्रमिक परिवर्तन क्रमशः निम्न प्रकार, प्रथम 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक दरार, विरंभिक दरार, मोरूला और बीजी पुट्टी निर्माण आदि। तो जाइगोट के बनने के बाद, जाइगोट कब बनता है? जब एक अंडा और एक शुक्राणु आपस में मिलकर जो संरचना उत्पन्न करते हैं वो बना देता है जाइगोट। और उसके बाद 14 दिन में इसके अंदर होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, 4 तरह के परिवर्तन होते हैं जो कि क्रमशः होते हैं, ठीक है, 14 दिन तक होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक दरार, दूसरा होता है विरंभिक दरार, फिर होता है मोरूला और फिर होता है बीजी पुट्टी या निर्माण आदि। ये परिवर्तन फेलोपियन ट्यूब में गर्भाशय की ओर निरंतर बढ़ रहे युग्मज में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है तो वो जाइगोट निरंतर गर्भाशय की दीवार की तरफ बढ़ता रहता है। तो कहाँ ये परिवर्तन कब होते हैं? सपोज़ ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब और ये है गर्भाशय। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? जाइगोट यहाँ बना। जाइगोट में चेंजेस आते रहेंगे और ये चेंजेस कब तक आएंगे? 14 दिन तक आएंगे और ये आएंगे जब तक ये इस गर्भाशय की और चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये परिवर्तन फेलोपियन ट्यूब में गर्भाशय की ओर निरंतर बढ़ रहे जाइगोट में होते हैं, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो निरंतर गर्भाशय की ओर बढ़ रहा है और उसमें ये परिवर्तन आते हैं, ठीक है। इसके बाद है एम्ब्रियो। इन परिवर्तन के बाद 15वें दिन में बीजी पुट्टी गर्भाशय की गर्भगुहा में पहुंचकर ऊपरी कोण के गर्भाशय अंतस्तर एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। तो क्या होता है कि जो लास्ट बीजी पुट्टी का निर्माण बना है, ये जो जाइगोट से बना है, ये क्या होता है 15वें दिन में गर्भाशय में पहुंच जाती है और इसके अंतस्तर यानी जो सबसे अंदर की तरफ स्तर है एंडोमेट्रियम, जो इसकी लेयर है, उससे जाकर ये चिपक जाता है, ठीक है। इस क्रिया को आरोपण कहते हैं, ठीक है, आरोपण कहते हैं या इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रिया है कि जाइगोट का आकर यहाँ उसकी अंतस्तर या एंडोमेट्रियम में चिपक जाना, इस क्रिया को हम बोलते हैं आरोपण, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आरोपण क्या है।
भ्रूण के विकास की क्रिया को विभेदन कहते हैं। तो जो भ्रूण है इसका जो विकास हो रहा है उस क्रिया को हम विभेदन बोलते हैं। विभेदन की प्रक्रिया गर्भावस्था की अवधि में 9वें सप्ताह से तक होती रहती है। तो 9th वीक तक इस विभेदन की क्रिया यानी जो ये डेवलपमेंट है विभाजन की क्रिया जो है वो होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक अंग, रक्त कोशिकाएं तथा गुर्दे की कोशिकाएं और तांत्रिक कोशिकाओं आदि की भली भांति बन जाती हैं। तो एम्ब्रियो में क्या होता है, इस ये जो विभेदन हो रहा है, जो निरंतर ये जो विकास हो रहा है जिसको हम विभेदन बोल रहे हैं, इस विकास में बनने से के होने से जो इसका रिजल्ट है वो क्या आता है कि इसमें जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं या जो गुर्दे की सेल्स हैं और हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स हैं, वो सेल्स छोटी छोटी निरंतर बनने लगती हैं, अच्छे से बन जाती हैं एम्ब्रियो के टाइम के विभेदन के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद आता है गर्भावस्था 5वें सप्ताह। ठीक है, अब 15 दिन चले गए तो गर्भावस्था में 5वें सप्ताह में क्या होता है, मस्तिष्क तथा जठर ग्रंथियां, जठरांत्रियां मार्ग व हृदय मार्ग का विभाजन विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो 5वें सप्ताह की प्रेगनेंसी में जो मस्तिष्क है, जो जठर ग्रंथियां हैं, जो हृदय है, उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अभी विकास हुआ नहीं है, सिर्फ विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो जो जठर ग्रंथियां हैं, जो मस्तिष्क है, जो हार्ट है, और इन जो इन सब का जो विकास है वो 5वें हफ्ते में प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में ब्लर हो दिखाई दे रहा हो तो आप प्लीज़ अपनी बुक को प्रेफर करना, अपनी बुक आप साथ में लेके बैठना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट 5वें सप्ताह के बाद क्या होता है देखते हैं। 6ठा और 7वां सप्ताह, गर्भावस्था में 6ठे व 7वां सप्ताह, मस्तिष्क 5 क्षेत्रों में विकसित हो जाता है। जो ब्रेन है 6ठे से और 7वें सप्ताह में मस्तिष्क जो है वो 5 क्षेत्रों में विभाजित होता है। इसके साथ कुछ तंत्रिकाएं दिखाई देने लगती हैं, एक तो ये होता है, भुजा व टांगों की कलिकाएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये जो है ये 6th वीक है, तो भुजा और टांगों की सिर्फ एक कली जैसी कलिकाएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अभी डेवलप नहीं हुई है, और जो भुजाएं हैं और जो टांगे हैं उनकी कलिकाएं जैसी इस 6ठे हफ्ते में दिखाई देने लगती है। आँख व कानों का बनना प्रारंभ हो जाता है 7वें हफ्ते में। अगर आप देखो तो इस तरह से कान और अंदर की तरफ आँख का बनना प्रारंभ हो जाता है। वर्टिब्रे और हड्डियों का बनने वाले ऊतक उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हड्डी बनेगी वर्टिब्रे, और जिससे जिन ऊतकों से हड्डियां और वर्टिब्रे बनती हैं वो ऊतक बनने उत्पन्न हो जाते हैं 6ठे से 7वें हफ्ते में। अवशोषी रक्त मुक्त वाहिनियों में बहने लगता है। फिर इसके बाद होता है गर्भावस्था 8वां सप्ताह। 8वें सप्ताह में क्या होता है, हाथ पैर बढ़कर लंबे हो जाते हैं, पाद और हस्त क्षेत्रों में विभेद होने लगता है। मतलब कि उसके जो हाथ हैं और पैर हैं उनमें हमें डिफरेंस दिखाई देने लगता है, और जो हाथ और पैर हैं वो बढ़कर थोड़े लंबे हो जाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इसके हाथ और पैर थोड़े थोड़े लंबे होने लगते हैं, फेफड़े बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना लंग का जो नहीं सॉरी जो हमारे हाँ फेफड़े यानी जो हमारे लंग्स हैं उनका बनना शुरू होता है 6ठे और 7वें हफ्ते में। इसके बाद आता है गर्भावस्था 9वें सप्ताह में, सॉरी जो फेफड़ों का बनना शुरू होता है वो होता है 8वें हफ्ते में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि फेफड़े कब बनना शुरू होते हैं। गर्भावस्था 9वें सप्ताह में क्या होता है, निप्पल और रोमकूपों का बनना प्रारंभ हो जाता है, कोहनियाँ और पैर की उंगलियाँ दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो देखते हैं 9th वीक में जो कोहनी है, इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ ये कोहनी और हाथ पैरों की उंगलियाँ जो है थोड़ी थोड़ी दिखने लगी हैं। सभी अनिवार्य अंगों का निर्माण होने लगता है, भ्रूणीय झिल्लियाँ, गर्भ वेष्टन व उल्व विकसित होने लगती हैं। गर्भ 10वें सप्ताह में जन्म तक की गर्भावस्था को फीटल पीरियड कहते हैं। तो 10वें गर्भ में 10वें सप्ताह से लेके, जैसे हमने पीछे पढ़ा 9वें सप्ताह से बोल सकते हैं हम, 9वें सप्ताह से लेके जन्म तक जो भी टाइम रहता है उसको हम फीटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 22वां सप्ताह, पूरे शरीर के रोएं निकल जाते हैं, पूरे शरीर में पर रोएं जैसे आ जाता है। ये 21वीं वीक की आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही 22वें हफ्ते में दिखाई देगा। पूरे शरीर में रोएं निकल जाते हैं, बोहे और बोरोनिया का
का दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। हाथ उंगलियों और पैरों की उंगलियों में नाखून दिखाई देते हैं 22वें सप्ताह में। मांसपेशियों में अधिक विकसित होने पर गर्भ बड़ा हो जाता है। तो 22वें सप्ताह में जो मांसपेशियां हैं फीटस की, वो ज़्यादा विकसित होने पर जो गर्भ है वो भी बड़ा हो जाता है। गर्भ के हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती है। तो 22वें सप्ताह में गर्भ से हृदय की ध्वनि सुनी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है गर्भावस्था 23 से 25वां सप्ताह, अस्थि मज्जा तथा रक्त की कोशिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। 23 से 25वें हफ्ते में अस्थि मज्जा व रक्त कोशिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। फेफड़े में निचले वायु मार्ग का निर्माण हो जाता है। शरीर में वसा इकट्ठी होने लगती है। तो ये सब होता है 23 से 25वें सप्ताह में। 26वें सप्ताह में बोहों बोर्निया का पर्याप्त विकसित हो जाता है। तो जो बोहें हैं और बोर्निया हैं वो ठीक से विकसित, अच्छी तरह से विकास उनका जो है पूरी तरह से हो जाता है। आँख के सभी भाग विकसित हो जाते हैं 26वें सप्ताह में। हथेली और तलवों की रेखाएं बनने लगती हैं। फेफड़ों में वायु कोशों का निर्माण हो जाता है। ये सब होता है 26वें सप्ताह में। इसके बाद आता है गर्भावस्था 28 से 32वां सप्ताह, मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है। चेहरे के रोए गायब हो जाते हैं। पलक खुलते और बंद होते हैं। तो 28 से 32 सप्ताह में जो फीटस है वो अंदर की तरफ अपनी पलकें खोल और बंद कर सकता है। उसके चेहरे पे से बाल हट जाते हैं और जो मस्तिष्क है उसका तीव्र विकास प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आता है गर्भावस्था का 32 से 36वां सप्ताह, शरीर में वसा की मात्रा तेजी से बढ़ती है तथा गोल आकृति की तरह बनते हैं। श्वसन गतियां होती हैं किंतु फेफड़े पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते। शरीर के रोएं ऊपरी भुजा एवं कंधों को छोड़कर सभी स्थानों से गायब हो जाते हैं। तो कंधों और ऊपरी भुजा को छोड़कर जो शरीर का रोया है सभी स्थानों से गायब हो जाता है। सिर के बाल खुरदुरे और मोटे होने लगते हैं। नाखून उंगलियों और सिरों के आगे निकल आते हैं। पैरों की रेखाएँ दिखाई देने लगती हैं। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है 33 वीक्स पे। तो ऑलमोस्ट 32 से 36 वीक्स में बेबी का डेवलपमेंट इतना हो जाता है फीटस का। गर्भावस्था 36 से 40वां सप्ताह, खोपड़ी मजबूत हो जाती है क्योंकि इस टाइम पे देखो डिलीवरी होने वाली है तो खोपड़ी मजबूत हो जाती है। प्रथम प्रसव 36 सप्ताह में शिशु का सिर श्रोणि गुहा में प्रवेश कर जाता है। तो जो 36वां सप्ताह है उसमें शिशु का जो सर है वो श्रोणि की गुहा में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो ये था फीटल डेवलपमेंट, कैसे कैसे फीटस का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द वूम, किस हफ्ते में कितना विकास होता है, किस हफ्ते में अंगों का निर्माण होने लगता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है, फेफड़ों का निर्माण कब होता है, मस्तिष्क का निर्माण कब होता है, मस्तिष्क का विकास कब होता है, ये सब है फीटस डेवलपमेंट। तो यू हैव टू रिमेम्बर किस हफ्ते में कौन सी चीज़ हो रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, जो हमने जाइगोट शुरू में पढ़ा है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। फैलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु का निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है फैलोपियन ट्यूब कहाँ है, ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें ये जो अपने हाईलाइट करके यहाँ हमने दिखाया है ये चीज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ओवम और स्पर्म आपस में मिल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या हम बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। और ये प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, ये हो रही है इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन, अब इसके बाद जब ये दोनों का मिलाप हो गया, अंडा और शुक्राणु का निषेचन हो गया, तो इसके बाद ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पर बन चुका है जाइगोट। मैं अपना कलर चेंज कर लेती हूँ, देन यू विल सी क्लियरली। लेट्स टेक ग्रीन, ओके। तो ये यहाँ बन गया है निषेचन के बाद जाइगोट, दिस इज जाइगोट, ओके। उसके बाद 24 घंटे में दो कोशिकाओं की अवस्था, जिसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। अगर आप देखें ये है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, ये है जो हमारा ये बना है, ये है फर्टिलाइज्ड एग। और इसके बाद बनती है, इसमें एक ही कोशिका है, इसके बाद ये दो कोशिकाओं 24 घंटे में बनती है दो कोशिकाएं अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टो
मियर, ठीक है, ये है ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर कहाँ बन रहा है, यहाँ दो सेल के बाद। फिर 42 घंटे में चार कोशिकाओं की अवस्था, 42 घंटे में चार कोशिकाओं की अवस्था बनेगी, जो कि ये यहाँ बन रही है। और हमने बोला था कि जाइगोट जो है वो गर्भाशय की तरफ ट्रेवल करता रहता है, मूव करता रहता है, चलता रहता है, और जाइगोट में परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। तो 24 और वो परिवर्तन उसमें कब तक आते हैं, 15 डेज तक, ठीक है। तो 42 घंटे में क्या होगा, चार कोशिकाएं बनती हैं। 72 घंटे में 12 कोशिकाओं की अवस्था हो जाती है, तो पहले बनती हैं दो, दो से चार, चार से 8 और 8 से 12, ठीक है। तो इसमें 12 की पिक्चर नहीं है, बट यू कैन प्रिफर दिस वन, ठीक है। इससे पहले इसी तरह से 12 सेल वाली एक संरचना बनती है, ठीक है, 12 कोशिकाओं की अवस्था बनती है, ठीक है। फिर 96 आवर्स में क्या होता है, आफ्टर 96 आवर्स 16 कोशिकाएं अवस्था गेंदाकार मोरूला बनता है, ठीक है। तो याद रखना मोरूला क्या है, 16 कोशिकाओं वाली है, जो 16 कोशिकाओं वाली अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं मोरूला, तथा गर्भाशय गुहा में प्रवेश करता है, ठीक है। तो मोरूला यहाँ आ गया है और गर्भाशय गुहा में वो प्रवेश कर रहा है, ठीक है। पांचवें दिन में धीरे धीरे मोरूला तरल पदार्थ बढ़ता है और ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ठीक है। तो पांचवें दिन क्या होता है कि ये जो मोरूला है इसने अपने अंदर ये तरल पदार्थ भर लेता है और क्या बनाया है, इसने बनाया है ब्लास्टोसिस्ट, ये है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में आंतरिक कोशिकाएँ द्रव्यमान तथा बाहरी कोशिकाएँ ट्रोफोब्लास्ट बनाती हैं। तो जो आंतरिक कोशिकाएँ हैं वो तो अंदर की तरफ ऐसे द्रव्यमान होती हैं, तथा बाहर की जो कोशिकाएँ हैं ये वाली, ये कोशिकाएँ जो होती हैं वो ट्रोफोब्लास्ट बनता है। सातवें दिन गर्भाशय में ट्रोफोब्लास्ट का आरोपण होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये इस तरह से गर्भाशय में, ये इस तरह से अपने गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन या विभेदन, ठीक है। तो इसमें सातवें दिन में गर्भाशय ट्रोफोब्लास्ट का आरोपण होता है, ग्यारहवें दिन गर्भाशय का आरोपण पूर्ण होता है और क्या बनता है, ब्लास्टो सिस्ट। तो ये बन जाता है लास्ट में ब्लास्टो सिस्ट, ठीक है। ये है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना।